आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आपका मोस्ट अवेटेड और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडिया 16 का। इंडिया 16 की जो थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए, डीपली डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए देख लीजिए। कहाँ मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए खोजिए और मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि आपको मिलेगा यूनिट 2 में। आप खोजेंगे तो इसका स्लाइड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा इसके इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। सो लेट्स गेट डाउन टू फाइंड आउट वेयर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1। ही ओके, वी आर गेटिंग क्लोजर आई गेस। Now this one is example. Oh yeah, we got it. Pehla illustration. So we are formally going to start illustration. Illustration number 1, deferred payment credit. Deferred payment credit क्या है भाई साहब? Deferred payment credit मतलब आप जब normal credit period से ज़्यादा देर में कोई भी सामान खरीदने के लिए payment करते हैं, मतलब delay payment करते हैं, I mean लॉन्ग टर्म में जब आप पेमेंट करते हो, नॉर्मल जैसे सपोज करो नॉर्मल कोई सामान खरीदने का 2 महीने का क्रेडिट पीरियड, आप 2 साल में उसका इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अपने शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। उसके रिकॉर्डिंग में हमें इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा इंटरेस्ट का रिकॉग्निशन हमें अलग करना पड़ता है, और पेमेंट जो वेंडर का होता है वो अलग होता है। तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है। तो बेसिस क्या है इस क्वेश्चन का, वो हमने डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। On 1st April 2001, an item of property is offered for sale. 10 million की प्रॉपर्टी सेल के लिए ऑफर की गई, उसका पेमेंट टर्म था कि 3 equal installments, एंड दैट इज 33,33,333। 2 साल में आपको पे करना पड़ेगा। पहला इंस्टॉलमेंट 2001 1st अप्रैल और उसके ईयर एंड पे 31st March 2002। अभी 2 साल नहीं है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और फिर अगले साल के क्लोजिंग पे। तो 3 installments within 2 years, ये सिस्टम है, आपको लेना है तो ले लीजिए। सो द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का डेवलपर है उसने 5% डिस्काउंट भी ऑफर किया, दैट इज 0.5 million। इफ पेमेंट इज मेड, जो कि आप कंप्लीशन ऑफ सेल तक पूरा पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा नहीं एट अ टाइम ही, 3 installments की ही बात हो रही है। 3 installments जब तक आप पूरा, अगर आप पूरा पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं या फिर एश्योरेंस देंगे, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, और एक इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट भी लगेगा जिसका है रेट 5.36%। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी की कीमत 1 crore rupees है, 10 million का मतलब क्या हुआ, 1 crore, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरोज हो गए आपके पास 1 crore में। उसमें से इन्होंने क्या किया, अब हम जब एंट्री करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं। और इसको 3 installments में हमें पेमेंट करना है, और इसको अगर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 33,33,333, isn't it? ओके। और डिस्काउंट कितना है, अपने को 5 lakh का डिस्काउंट मिल रहा है, 0.5 million, 1 million, 10 lakh होते हैं, और उसका हाफ होता है 5 lakh। और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने दिया है 5.36%। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सॉल्यूशन, इंडिया 16 रिक्वायर्स, व्हाट इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स दैट द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट टू द रिकॉग्निशन डेट। कैश प्राइस जो आप, एक्चुअल प्राइस जो आप पे कर रहे हो, इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। रिकॉग्निशन डेट पे जो क्या आप कैश प्राइस दे रहे हो, मतलब जो आप पेमेंट करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। आप देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब साफ साफ है कि आपकी 1 crore की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको 5% डिस्काउंट तो मिलेगा ना, 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टी कितनी की हो जाएगी, 95 lakhs की,
ठीक है, तो बोला कि जो आप एक्चुअल में कॉस्ट पे करोगे फ्यूचर में, आप उसके ऊपर, उस कॉस्ट के ऊपर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो द परचेजर दैट टेक अप द डिफर्ड पेमेंट टर्म्स, जो डिफर्ड पेमेंट मतलब लेट से पेमेंट करने का टर्म लेगा, वो इस तरीके से कुछ अपनी अकाउंटिंग करेगा या फिर अपने बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड करेगा. तो पहली बात इनिशियल रिकॉग्निशन की बात होगी. इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है, प्राइस से हम लोग क्या क्या माइनस कर देते हैं. प्राइस से हम लोग डिस्काउंट, परचेस प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस रिबेट कुछ है तो इसमें क्या है, 1 करोड़ में से हमने क्या माइनस कर दी, 0.5 लाख, तो ये आ गया 95 लाख, जो कि हम लोग इस पर रिकॉर्ड करेंगे. तो पहली एंट्री अपनी क्या होगी, इस एंट्री को छोड़ो, हम लोग अपने से एंट्री मारते हैं थोड़ा, क्या बोल रहे हो. तो एंट्री क्या होगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 95 95, जो कि इन्होंने भी मारी है, ठीक है. और एक पेमेंट भी होगा, पहला इंस्टॉलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंट्री होगी. एक मिनट रुको, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सॉरी. ठीक है, एक यहां पे लाइन टर्न दो. फिर पहली एंट्री सपोज करिए हमने कर ली, पीपी अकाउंट डेबिट टू वेंडर. दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, एक पेमेंट अपने किए थे ना 33.33, उसकी एंट्री यहां पे होगी. तो बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, उन्होंने भी यही एंट्री मारी होगी, उन्होंने कोई अलग एंट्री नहीं मारी, बट हम लोग थोड़ा तोड़ के मारेंगे, मतलब डिटेल में करेंगे. पीपी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर टू कैश करोगे तो यही अमाउंट आ जाएगा. ये डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ये उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है. फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के वक्त क्या होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड. फिर जब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आएगी तो उसमें क्या लगेगा, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस. अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए सिंपली आइडेंटिफाई हो सकती है बड़ी आराम से. आपको टोटल 95 पे करना था, जिसमें से 33.33 आपने ऑलरेडी वेंडर को पेमेंट कर दिया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, तो ये वेंडर से घट जाएगा. जो अभी वेंडर को पे करना है तो उस पर हम लगाएंगे 5.36%, मतलब टोटल 95 पेबल था जिसमें से हमने 33.33 पे कर दिया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अपना आ जाएगा 5.36 से जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 33330533, वो वहाँ पे भी दिया हुआ है, इस बुक में भी दिया हुआ है. तो फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर ये आ जाएगा 333533, ठीक है. और दूसरा इंटरेस्ट जब हम बुक कर दिए फिर पेमेंट करेंगे अपने, पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट अपने करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कितना होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 33,33,000. तो बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, अब बारी आती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की, That is what? That is our third installment. अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमको बुक करना होगा फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस. अब यहां पर थोड़ा सा आपको झोल है समझना होगा. देखिए 95 में से हमने 33.33 पेमेंट कर दिया, फिर इसमें से 33.33 पेमेंट कर दिया, दो पेमेंट किया है और एक फाइनेंस कॉस्ट बुक भी किया है, तो ये ऐड हो जाएगा 3.33, और फिर इस पे लगेगा अपना 5.36%. ये आपने ऐड नहीं किया होगा इसलिए आपका आंसर मैच ना करे, तो ये चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वेंडर के नाम पे हमने बुक किया है तो वेंडर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारी लायबिलिटी अभी बढ़ी हुई है, तो उसको पेमेंट करने के लिए ये करना पड़ेगा. तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि आएगा 169467 टू अगेन वेंडर,
फिर आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 33,33,333 और वो भी 33,33,333। तो ये हो गया बेसिकली एंट्री, और ये सारी एंट्रीज आपको मिलेंगी यहीं से। हमने बस इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ब्रेकअप कर दिया एंट्रीज का। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं आपके अगले इलस्ट्रेशन के ऊपर, जो कि है अपोस इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये है आपका इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट पे हमने बात किया था, दो टर्म पे हमने बात किया था कि जब आपको कमर्शियल कोई वैल्यू नजर आती, कमर्शियल वैल्यू जिससे कि कैश फ्लो, कमर्शियल सब्सटेंस नजर आता है जिससे कैश फ्लो अगर इफेक्ट होता है, तो उस केस में हम प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं। और जब कमर्शियल वैल्यू नहीं रहती है तो उस समय हम लोग न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट कर देते हैं, उसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं करते। तो इसमें देखते हैं क्या होता है इस केस में। लेट्स स्टार्ट। प्लूटो लिमिटेड ओन्स अ लैंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट एन एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन का अपने बैलेंस शीट में एक इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है। आई रिपीट, व्हाट लैंड एंड बिल्डिंग, द फेयर वैल्यू ऑफ सच इज 15 मिलियन। ओ माय गॉड, फेयर वैल्यू अच्छा है, बढ़ गया 5 मिलियन। इट एक्सचेंजेस द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अ प्राइवेट शीट। ओ माई गॉड, व्हाट अ फैमिली, प्लूटो लिमिटेड, ओम सॉरी यू आर अ कंपनी, आपने लैंड और बिल्डिंग के बदले एक प्राइवेट जेट लिया, मजा ही आ गया होगा। विच हैज फेयर वैल्यू ऑफ 18 मिलियन। हो, जिसका वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, उस 3 मिलियन आपको कैश में पेमेंट करने पड़े। तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? देखिए, इसका ट्रीटमेंट, आपने 3 लाख ज्यादा पे किया, मतलब 3 लाख ज्यादा पे किया, तो उसका उस हिसाब से एंट्री अपने करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 15 के बदले आपने 18 दिया है, तो उस केस में 3, मतलब 18 की वैल्यू लेंगे, 3 कैश में पे किया, और इसको इंडेक्स के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करेंगे आइए देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजेक्शन हैड कमर्शियल सब्सटेंस, जैसे मैंने बोला कमर्शियल सब्सटेंस इसमें है, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द प्राइवेट जेट एट अ कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन। बिल्कुल, उसकी फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड होगा, एंड शुड रिकॉग्नाइज, हमने आपको याद हो, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो कमर्शियल सब्सटेंस वाला था उसमें अपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, जबकि जो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था वो कोई फेयर वैल्यू नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर जो उसका जिस एसेट के बदले वो आ रहा था, तो न्यू एसेट अकाउंट जो उसका कॉस्ट था उस वही कॉस्ट यहाँ पे भी डाल देते थे, बिकॉज जो नया एसेट आ रहा था उसका कॉस्ट पता नहीं था, मतलब हमारे जो बुक में था कॉस्ट वही कॉस्ट से अपने एंट्री बुक कर देते थे, क्योंकि हमें उसका कॉस्ट नहीं पता। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हमें वो करना पड़ेगा। एंड शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹5 मिलियन, कैलकुलेट एज फॉलो, और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए 5 मिलियन का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 10 मिलियन की वैल्यू थी, जब वो फेयर वैल्यू करोगे अब तो 5 मिलियन आपका बढ़ा हुआ है। ये कमर्शियल सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कैसे इसकी एंट्री करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर, बिल्कुल 18 मिलियन है, इसमें 30 अगर आप लगा लें। कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग डिस्पोज्ड, लेस करेंगे कैरिंग अमाउंट जो लैंड और बिल्डिंग की थी, जो कि 10 मिलियन थी, वो हमने हटा दी। कैश पेड आ गया अपना 3 मिलियन, ये सारा डिटेल तो आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट ऑफ 5 मिलियन कैसे हुआ? देखिए, सिंपल सा बात है, हमारे पास एसेट की वैल्यू थी 10 मिलियन, ऑल दो उसकी फेयर वैल्यूएशन नहीं की हुई, हम 18 मिलियन के एक एसेट से इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं और 3 मिलियन कैश दे रहे हैं। तो ये जो हुआ, तो ये एक्सचेंज के वक्त इसमें 5 मिलियन का हम फेयर वैल्यूएशन करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर प्रॉफिट, वही बुक होगा। तो वही इस एंट्री में आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्राइवेट जेट 18 मिलियन, ये कॉस्ट इसका, ये कैश पेड, और ये रहा आपका फेयर वैल्यूएशन से आया प्रॉफिट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट से फेयर वैल्यूएशन हुआ जब उसका, तो 15 मिलियन पहुंचा, जबकि हमारे बुक में वो 10 मिलियन था, तो बुक में 10 मिलियन था, हम 10 मिलियन के बदले 10 + 3 = 13 मिलियन के बदले 18 लाख की चीज ले रहे हैं, तो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। तो 2 इलस्ट्रेशन हो गए हैं कंप्लीट। चलिए फटाफट चलते हैं आपके
तीसरे इलस्ट्रेशन के ऊपर और इसके बेसिस की बात करते हैं पहले कि किस पिलर पे खड़ा है ये क्वेश्चन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये क्वेश्चन आपको बात करेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन की ओवर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के वक्त आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके ऊपर आपका बात करेगा। जुपिटर लिमिटेड, बेसिकली ये आपको पता है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। हैज एन आइटम ऑफ प्लांट इनिशियल कॉस्ट जिसका इतना था, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन वाज इतना। 1 लाख की एक एसेट है, रिवैल्यूएशन के वक्त उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 55,000 था। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट बाय रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शन इन सिमिलर एसेट एक्सेस टू बी 65। तो क्या कहने का मतलब है इनका, भाई साहब पेन थोड़ा सा ये ले लेते हैं। क्या कहने का मतलब है इनका, कहने का मतलब है कि हमारी 1 लाख की थी कॉस्ट, दिस इज व्हाट द बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्होंने निकाली दैट इज 55, ठीक है, एंड इट कम्स अराउंड 45,000 जो इसकी बुक वैल्यू है। जब लेकिन फेयर वैल्यूएशन किया गया तो वो आया 65,000। ये है पूरे क्वेश्चन की कहानी। आपसे पूछा गया है कि क्या एंट्री आप पास करोगे तो मेथड 1 और ये है कॉस्ट मेथड। रिवैल्यूएशन के वक्त आपको क्या मैंने बोला था, रिकॉग्निशन, जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात होती है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तो उसमें 2 मेथड थे, कॉस्ट मेथड था, कॉस्ट मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में एक प्रोपोर्शनेट बेसिस था और एक नेट बेसिस था, ठीक है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में 2 मेथड, एक नेट मेथड है और एक कॉस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये रिवैल्यूएशन का केस है। तो यहाँ पे प्रो राटा बेसिस होगा और एक नेट मेथड होगा, जो ये किया हुआ है ये नेट मेथड है और ये है प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो 2 मेथड है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मॉडल के जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो रिकॉग्नाइज करते वक्त आपको 2 मेथड लगा सकते हैं आप, एक नेट और एक प्रोपोर्शनेट। और क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं पूछा है, सो वी विल सॉल्व विथ बोथ नेट एंड प्रोपोर्शनेट। तो पहला मेथड क्या करता था कि कैंसिल कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट से, सो कैंसिल करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टू एसेट। तो ये 55 लाख के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर दिया, मेरा एसेट रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 45, ठीक है। फिर जब रिवैल्यू करेंगे तो डायरेक्टली, बहुत सिंपल था, डायरेक्टली इसको रिवैल्यू कर देंगे और वो रिवैल्यू हो जाएगा एसेट कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये अपना पड़ा हुआ है, सिंपल सा हुआ क्या, आपका जो 65 है 45 से माइनस हो गया, तो ये रिवैल्यूड फिगर है बेसिकली। तो पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एक एंट्री पड़ गई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने कैंसिल कर दे। जब भी आप नेट मेथड लगाओगे तो आपको वहीं पे उस एसेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, ये राइट ऑफ हो गया आपका 55 से जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो इसकी वैल्यू 45 थी, लेकिन अभी उसको इंक्रीज करने के लिए अपने को 20 यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। फिर बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोर्शनेट मेथड की, इसकी कैरिंग अमाउंट ये है, दैट इज व्हाट द बुक वैल्यू वी कैन सी ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और इसकी हम लोग जिस टेक्निक से कर रहे थे उस टेक्निक से करेंगे, मतलब ये भी वही किया हुआ है। हम लोग कैसे कर रहे थे, ये था अपना एग्जिस्टिंग और ये रहता था न्यू, ऐसे करके। तो एग्जिस्टिंग अपना ग्रॉस ब्लॉक क्या था, ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका ग्रॉस ब्लॉक था 1 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 55, तो बुक वैल्यू आ गई 45। और ये जो न्यू था, ये फेयर वैल्यू इसका कितना था 65। तो अब इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, उसको निकालते थे अपने 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 45 इनटू व्हाट 100, तो ये इट विल कम अराउंड, इट इज गिवन हेयर, वो सेम आएगा 44.44%। अब इस 44.44% को हम लोग क्या करते थे
उतना से अपने एसेट को इंक्रीज कर देते थे और ग्रॉस ब्लॉक को बेसिकली और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर देते थे। तो जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,44,444। तो ये 44,444 से इंक्रीज हो जाएगा और ये जो इंक्रीज होगा ये 55 + 24 दैट विल बी अराउंड 59,444। तो 79 + 59 = 79,444 होगा। यस आई एम सॉरी, हाँ फिर इसको माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली अपना पुराना तरीका जैसे हम लोगों ने किया था, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी किया हुआ है। तो ये फेयर वैल्यू अपना ये परसेंटेज इन्होंने कैलकुलेट किया है, फिर जो बुकिंग की है 1,00,000 की एसेट पहले से थी और 44,000 से इन्होंने बढ़ा दिया है, और जो एक्यूमुलेटेड पहले से था इन्होंने भी 24,000 से बढ़ा दिया। तो एंट्री क्या हो गई, पीपी अकाउंट डेबिट जो कि था 44,444 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,444, जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और जो बचता था उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते थे, दैट इज 20,000। ये सिंपल सी एंट्री जो हमने पहले एक एग्जांपल में करके रखी हुई थी, लेकिन मैंने बोला था आपको हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल में बताएं। तो आप ये मेथड फॉलो करके इजीली आप परसेंटेज निकाल के फिर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो इजी रहेगा, इट इज रिकमेंडेड। इलस्ट्रेशन नंबर व्हाट इट वाज थर्ड एंड वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ वन। आई एम सॉरी। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इंटायर क्लास। हाँ आप देखो इंटायर क्लास इस बेसिस का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई एसेट को रिवैल्यू करोगे तो आपको पूरे इंटायर क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा और इंटायर क्लास को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ओके, वो इंटायर क्लास को करना पड़ेगा। क्लास क्या है, क्लास मैंने बहुत बार बोला, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, कार, मोटर बाइक, दिस आर द क्लास। तो वेनस लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन्स अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कंसिडरेबल मतलब अच्छा खासा नंबर, सच एज फैक्ट्री एंड वेयरहाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज। और जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग भी मतलब इंडस्ट्रियल के बाद साथ साथ वेयरहाउस भी इनके पास और ऑफिस बिल्डिंग भी है, तीन कैटेगरीज हो गई इनके पास, तीन क्लास हो गए। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन ऑफकोर्स, वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग आर इन द सेंट्रल बिजनेस, हो सकता है। वेनिस लिमिटेड मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अप्लाई द इंडेस रिवॉल्यूशन मॉडल टू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग बट कंटिन्यू टू अप्लाई द हिस्टोरिकल मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि ये बोले कि रिवैल्यूएशन मॉडल वो अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिस बिल्डिंग पे, बट हिस्टोरिकल जो कॉस्ट मॉडल है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे लगे रहने देना चाहते हैं। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ रहे हो, इनके पास ऑफिस है और बिल्डिंग है, आई एम सॉरी ऑफिस बिल्डिंग है और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, दो अलग अलग कॉस्ट हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करें जब भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, और इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना इंडियस अलाउ करता है अपना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से। अभी सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, मतलब आप क्लास वाइज कर सकते हो। वेनस लिमिटेड मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवॉल्यूशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो केवल और केवल ऑफिस बिल्डिंग पे, जैसे इन्होंने चाहा है। द ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन द टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस, देयर नेचर एंड द जनरल लोकेशन। ये भाषण थोड़ा देर कि आराम से वो डिस्टिंग्विश हो सकता है। इंडेस 16 परमिट्स एसेट्स टू बी रिवैल्यूड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडेस अपना 16 वाला अलाउ करता है कि आप क्लास बाय क्लास बेसिस पे आप उसको रिवैल्यू कर सकते हैं। द डिफरेंट कैरेक्टर characteristics of the building enable them to be classified as the different PPE classes differently, perfectly, perfect है, उनके पास different characteristics है, इसीलिए वो differently classified होते हैं। The different measurement models can therefore be applied to these classes for subsequent measures। तो उसको ये लोग justify कर रहा है कि building और industrial building, मतलब office building और industrial building के काम अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, characteristics अलग अलग हैं, तो इसलिए वो अलग अलग revalued हो सकते हैं।
All properties within the class of the office building must therefore be carried at the revalued amount. लेकिन सारी की सारी properties within the class of the office building जो भी उस class के अंदर आएगा, हाँ उन सब पे लगना होगा A to Z पे. Separate disclosure of the two classes must be given. और एक separate disclosure भी देना पड़ेगा and in accordance with the IND 16 para 73. So this is all about कि you can revalue class by class. और इसके लिए आपको दो क्लास जो आप फॉलो कर रहे हो, जो मॉडल आप फॉलो कर रहे हो, तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. ये हमने डिस्क्लोजर में पढ़ा हुआ था. फिर बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस. रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप और हम कैसे करेंगे यूटिलाइजेशन? इसको हमने पढ़ा था ना, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है ऑन द सेल. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या करेंगे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का सरप्लस जो हमने जुटाया है. एन आइटम ऑफ पीपी परचेज 9 लाख का 1 अप्रैल 2021 की बात है. इट इज एस्टिमेटेड टू हैव 10 साल का लाइफ एंड डेप्रिसिएटेड ऑन SLM बेसिस. अगले दूसरे साल में ऑन अप्रैल 2003 द एसेट इज रिवैल्यूड. रिवैल्यूएशन हुआ एसेट का 9,60,000 पे, जो कि आफ्टर डेप्रिसिएशन 1 ईयर एंड 2 ईयर, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, मतलब 90-80 का लगाने के बाद आपका ये हाल हुआ है. द यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज एट द 10 ईयर्स, और जो यूजफुल लाइफ है 10 साल ही रहेगी. इग्नोर इम्पैक्ट ऑफ डेफर टैक्स, वैसे भी मैं इग्नोर ही करने वाला था. सो द नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया 16 टैक्स का, तो ट्रीटमेंट अभी हम लोग इग्नोर ही कर रहे थे. कहना मतलब 9 लाख का एसेट है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है उसकी, और 9,60 उसका फेयर वैल्यूएशन हुआ है 1 अप्रैल 2003 को, मतलब कि 1 अप्रैल 2001 से 1 अप्रैल, मतलब 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद. कैलकुलेट करना है हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें यूटिलाइज करना है रिवैल्यूएशन रिजर्व जो एडिशनल है. अब बात आती है कि एक्चुअल डेप्रिसिएशन 2003 और 4 का क्या है. इन्होंने बोला यूजफुल लाइफ जो है रिमेन सेम, मतलब 10 साल की 10 साल ही रहेगी, 10 ईयर की 10 ईयर ही रहेगी, लेकिन इसमें से हमने 2 ईयर्स ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर लिए हैं, तो हमारे पास यूजफुल लाइफ अभी क्या बची, 8 ईयर्स. जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एसेट इज रिवैल्यूड, द यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज एज 10 ईयर. तो 10 साल तब था, अभी भी 10 साल ही है वो लाइफ, मतलब उतनी ही है. तो उसमें से 2 साल अपने गुजार चुके हैं, तो 8 साल ही बचा. तो उसके हिसाब से अगर मेरा फेयर वैल्यूज आज 9,60,000 है, तो आई विल डिवाइड विथ 8. प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाता है ना, पहले 90 था अभी 30 हो गया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अपना कितना आ गया, 30,000. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. इसके चेंज की वजह से हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला है हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिवैल्यूएशन से. सो इन द प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा SPL 2003 और 2004 के लिए, अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी चार्ज. यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस चार्ज होगा वो 1,20,000 होगा, ठीक है. अ रिजर्व ट्रांसफर विच विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मे बी अंडरटेकन एज फॉलो. और जो रिजर्व है एडिशनल, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व. तो उसको रिवॉल्यूशन रिजर्व को अपने 30 को ट्रांसफर कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में, और वो कहाँ जा सकता है, रिवॉल्यूशन रिजर्व OCI में आएगा, OCI में आ जाएगा ये रिवॉल्यूशन सरप्लस जो कि था 30,000. अब फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में, जो हमारा एक ऑप्शन था 30,000 का. ये हमने आपको पहले भी बताया है कि 30,000 हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है. और ये ऐसा क्यों है आपको मैं बता दूं. यहां पे देखिए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा, तो आपकी प्रॉफिट क्या हो गई, प्रॉफिट क्या हो गई, घट गई, मतलब प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया. तो उसको हम लोग सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पे रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल देते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया चीज, ठीक है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आया. और वैसे ही जब हम बात करेंगे, अगर मैं इसको निकाल के यहाँ पे डाल दूँ, तो अभी तक मेरा तो प्रॉफिट कम ही है, तो प्रॉफिट कम ही है,
तो मेरा लायबिलिटी भी घटा हुआ रहेगा, तो लायबिलिटी बढ़ा देंगे अदर इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग में डाल के, ठीक है, तो वो मैच हो जाएगा, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो कितना डीपली मैं बात कर रहा हूँ अभी। एक बीस मैं अगर ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इट विल बी डिक्रीज, इजेंट इट। जो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या होगा, उसको सेटअप करने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो रिवैल्यूएशन से मेरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा, हमारा न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि रिवैल्यूट कर लिए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो 1,20,000 ऐसे तो रिवैल्यूएशन से आप प्रॉफिट बढ़ाते ही जाओगे। डिप्रिसिएशन, हाँ, आपके एक्चुअल एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी बेसिकली, बस। डिप्रिसिएशन 1,20,000 है, मेरा 90 की जगह 1,20,000 जब चार्ज हुआ तो मेरा तो प्रॉफिट घट गया, तो उसको सेटअप करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में उड़ाल देते हैं प्रॉफिट को, आई मीन एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन जो रहता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, ये प्रॉफिट घटा हुआ तो यहाँ से OCI में डाल के इसको बढ़ा देते तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब अगर मतलब अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो हमने नोट में आपको लिखवाया भी था कि आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में भी जाएगा तो ये प्रॉफिट कम है तो यहाँ पे मतलब अब प्रॉफिट आपकी लायबिलिटी में इक्विटी में जाके बढ़ जाता है ना अदर इक्विटी में, तो वो प्रॉफिट घटा हुआ रहेगा तो अदर इक्विटी अगर रिटेन अर्निंग में डाल देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ओके तो ये रहा द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 31 मार्च विल देयर आफ्टर विल बी, अभी 1,20,020 द बैलेंस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा ऑन 31 मार्च 2012, मतलब क्लोजिंग डेट पे क्या होगा, ये 2,40,000 होगा ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग 30,000 और ये 2,10,000, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 2,10,000 जिसमें से अपने 30 ट्रांसफर कर दिए। अब ये कैसे आया आपको समझना होगा। देखिए ये 7,20,000 जो है हमने क्या किया था, हमारा 9,00,000 का एसेट था, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से अगर आप लगाएं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 7,20,000 डेप्रिशिएट हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रीवैल्यू किए तो उसकी वैल्यू आ गई 9,60,000, तो टोटल रिवैल्यूएशन मेरा कितना हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व 2,40,000। तो इस साल का जो एक्सेस डेप्रिसिएशन था, मतलब एक्सेस जो 90 की जगह 120 लगा, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, इस साल का इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि अर्लियर साल का तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं हमारे ऊपर, तो हर साल हम क्या कर सकते हैं, इसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी रहेगा तो न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ेगा, बट आपके पास एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऑप्शन है रिटेन्ड अर्निंग में डालने का, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 9,00,000 का आपका एसेट है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, परफेक्ट। आपको क्या करना है, 9,00,000 को 10 साल में डिप्रिशिएट करना, तो आपकी वैल्यू आती है 90, ठीक है। 2 साल में जो हो गई 1,80,000। अब 2 साल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल में रिवैल्यूड हो रहा है, ठीक है। 2 साल में रिवैल्यूड होके क्या हो गया, 9,60,000, जबकि हमारी बुक वैल्यू थी 7,20,000। तो रिवैल्यूएशन का फिगर कितना आ गया, और 7,20,000 माइनस करेंगे तो 9 से 2 हो गया, 60, 20, 40, 2,40 हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, इस साल का डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो 1,20,000 है। क्यों 1,20,000 है, वो इसलिए क्योंकि 960 अगर यूजफुल लाइफ मेरी 8 अभी भी है, 10 बोले रिमेन सेम, तो 8 साल अभी बची है, तो ये इसको डिवाइड करने से 1,20,000 आ जाएगी। तो इसमें कितना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, 30,000 जुड़ा हुआ है और एक्चुअल है 90,000। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का पार्ट है,
तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बस परफेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड दैट इज ओ हो, रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ। 10 था, 8 हो गया, 4 था, 5 हो गया, 6 था, 3 हो गया, मतलब यूजफुल लाइफ में चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली SLM ही फॉलो होगा यहाँ पे, विच एक एसेट था जिसका कॉस्ट 10,000 है और एस्टिमेटेड था 10 साल, और रेसिड्यूअल वैल्यू 2 लाख, मतलब 8 पे 10, मतलब 8,000 डिवाइडेड बाई 10 रेसिड्यूअल वैल्यू। आफ्टर 2 ईयर्स यूजफुल लाइफ रिवाइज एट 4 रिमेनिंग ईयर्स, 2 साल के बाद। एक यहाँ पे लाइन समझिए, यूजफुल लाइफ वॉज रिवाइड एट 4 रिमेनिंग ईयर्स, 2 साल के बाद, मतलब 2 प्लस 4 ये हो गया 6, पहले कितना था 10। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? रेसिड्यूअल वैल्यू भी दिया हुआ है और ये 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो आपको रिवीजन यूजफुल लाइफ में क्या करना है, कैलकुलेट करना डेप्रिसिएशन का चार्ज। ईयर वन में तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं। 10 लाख का कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आया, ये रहा आपका 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, 800। 800 इंटू 10 करेंगे तो 8,000। 8,000 क्यों, क्योंकि उसमें 2,000 रेसिड्यूअल वैल्यू है, तो इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 9,200। अगले साल 10, फिर से वही, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 16 और कैरिंग अमाउंट 8,400। इस साल में चेंज हो गया क्योंकि यूजफुल लाइफ बदल गई। अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, ये 10 में से हम कितना माइनस करेंगे उसको देखने के लिए, आपके पास कितना बचा 8,400। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 साल बाद जो बचती है, 2 ईयर्स के बाद, वो बचती है 4 ईयर की। तो 4 ईयर का अपना क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस रेसिड्यूअल वैल्यू वही रहेगी, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ऑल द क्वेश्चन में लिखा है रेसिड्यूअल वैल्यू 2,000, तो 2,000 ही रहेगा, तो ये आएगा 1,600। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर, इजंट इट इजी इजी पीजी। 16 प्लस 16 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,200, और आ गया ये आपका WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, या फिर बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो इजी। या नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन इज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। एन एंटिटी एक्वायर्ड एन एसेट 3 ईयर्स अगो एट द कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, कोई बात नहीं, WDV लगाया 10% पे। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स द एंटिटी एस्टिमेटेड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 18। उसको ख्याल आया कि भाई अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर है, एंड द डिटरमाइंस टू अडॉप्ट, और उसने SLM फॉलो किया है उस दिन से। ठीक है, उसका कोई एक बेसिक रीजन है, सो द नेसेसरी एंट्री। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कहानी पुराने 3 साल की है, 3 साल पहले की। 3 साल पहले उनको क्या लगा कि भाई साहब देखो मेरा 5 मिलियन का एक एसेट है, 10% के WDV से अगर हम इसको रिड्यूस करते जाते हैं, मतलब डेप्रिशिएट करते जाते हैं, तो हो जाएगा फुली डेप्रिशिएट। लेकिन बोला भाई अभी तो 80 ईयर्स बचे हुए हैं, 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ बचा हुआ है बस, मतलब 1 साल ज़्यादा ही बचा हुआ है, 10% मतलब 100%, मतलब ठीक है 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ बचा हुआ, आप SLM लगाना चाहते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मेथड लगाओ, ऑल मेथड्स आर सेम फॉर मी। देखो भाई SLM ईजी है और अच्छी बात है। हमसे पूछा गया कि भाई आप नेसेसरी ट्रीटमेंट बता दो, चलिए बता देते हैं, ये भी बहुत इजी है। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड सेल बी अकाउंटेड फॉर अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद द IND एंड हेंस विल बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब उस दिन के आने वाले दिनों में ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें एक और बात बोली, अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है, दिस इज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपके पास कितना है 5 मिलियन, मतलब 50 लाख रुकड़ा, ठीक है, इस पे आपने लगाया 10%, आ गया 5 लाख,
फिर उसको माइनस करेंगे, फिर आ गया आपका 45 लाख, फिर आपने लगाया 10% तो आ गया 4,50,000, फिर आपने 45 में से माइनस कर दिया तो 40,50,000 आया, ये 10% तो 4,05,000 आपके पास टोटल ये वैल्यू हो गई। अब जब इसका टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 955,135 आई गेस समथिंग, 9,50,000, 9,50,000 प्लस 55 आएगा, 5,9,4,13,55, तो 13,55,000 टोटल डिप्रिशिएट हो गया है। आपके एसेट की वैल्यू कितनी थी, पहले थी टोटल वैल्यू 50 लाख। अब जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 लाख में से 14 माइनस करो तो कितना आएगा, 36 खोल लेते हैं ना भाई साहब, 50 लाख की रही वैल्यू, इसमें से अपने को माइनस करना 13,55,000, हाँ आई वॉज राइट, 36 इंटू, अब इस पर अपने को कितना लगाना, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि यूजफुल लाइफ 8 बची, ओके 455,625, तो वही यहाँ पे किया हुआ है 455,625 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,45,000 डिवाइडेड बाई 8, बस इजी पीजी हो गया, क्लियर। अब चलिए बढ़ते आगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर व्हाट द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन एंड दैट इज व्हाट, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें बेसिस नहीं दिया हुआ है बट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एमएस लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ हैवी मशीनरी, ओके रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन का होगा, डी रिकॉग्निशन मे बी, ओके लेट्स सी रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट का पानी पी ले क्या थोड़ा, एमएस लिमिटेड हैज अक्वायर्ड अ हैवी मशीनरी, आवाज बढ़ गई ना, तो H2O मतलब जल का सेवन जरूरी है। एमएस लिमिटेड हैज अक्वायर्ड अ हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 crore आई गेस maybe yeah with no breakdown of the component, मतलब अपने पास इतना पैसा है नहीं ना यार, 1 crore की एक बार में ही, आई गेस आपके पास भी नहीं होगा, तो ये अचानक से आप इतने जीरो कभी देखे नहीं हो ना लाइफ में, मतलब साथ में तो लगता है कि भाई क्या बड़ा सा वैल्यू आ गया, जस्ट किडिंग, 1 crore ठीक है। एमएस लिमिटेड हैज अक्वायर्ड हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 crore विथ नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, उसकी यूजफुल लाइफ 10, एट द एंड ऑफ द 6 ईयर छठे साल के एंड में वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टर्बाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, एक बहुत बड़ी इंजन है उसमें क्या हुआ कि कुछ छठे साल के अंत पे एक चीज का रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ी, एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, क्योंकि जो फर्दर अगर मेंटेनेंस कराते हैं उस पार्ट का तो हमें अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, मतलब खर्चा ज्यादा, इससे अच्छा रिप्लेसमेंट मांग के नया प्रोडक्ट लगा दे उस मशीनरी में। द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड फॉर द लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, द कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन इज 45 lakh, the discount rate is assumed is 5%. Can the cost of new turbine be recognized and assessed, and if so, what treatment should be? अब देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिए पहले। मैंने 1 crore की एसेट मान लो अपने पास रखी है, अब इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट क्या हुआ, खराब हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। अब हम उसको जब
रिपेयर कराने का सोच रहे हैं तो वो अनइकोनॉमिकल है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस करके एक नया एसेट, न्यू एसेट लेने की कोशिश की, और ये बाकी जो रिमाइंडर एसेट है वो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें आके अगर ये नया लग जाएगा तो काम चालू हो जाएगा अच्छे से। तो न्यू कंपोनेंट इन्होंने खरीद के लाया, उसकी कॉस्ट थी 45 लाख, कोई दिक्कत नहीं अपने को। और डिस्काउंट रेट जो है एस्टिमेटेड है 5% का डिस्काउंट रेट। कैन द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसेट, क्वेश्चन ये है कि क्या नया टर्बाइन को हम एक एसेट की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफ शो व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड, अगर ऐसा है तो क्या ट्रीटमेंट हम इसके लिए करेंगे। सो लेट्स मूव टू द आंसर। रिकॉग्निशन के लिए क्या था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट रीजनेबली रिलायबल, मतलब कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर दें। तो न्यू टर्बाइन विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट टू एमएस लिमिटेड ईयर्स एंड द कॉस्ट इज मेजरेबल। दो कंडीशन थी रिकॉग्निशन की, अगर आपको याद हो तो, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो इस केस में दोनों चीज पॉसिबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दिख रहा है और कॉस्ट भी मेजरेबल है, तो हैंस द आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एन एसेट, और इसलिए वो आइटम एसेट की तरह रिकॉर्ड हो सकती है। और हमको पता है, आप सबको पता है कि हम लोग कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मतलब हर कंपोनेंट का अलग अलग अकाउंटिंग एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं अंटिल और अनलेस उनके पास सेम यूजफुल लाइफ और सेम डिस्काउंटिंग रेट और WDV रेट ना हो, तो अलग अलग रिकॉर्ड हम लोग ऑलरेडी करते हैं। तो इस केस में हम लोग टर्बाइन को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। द ओरिजिनल इनवॉइस फॉर द मशीनरी डिड नॉट स्पेसिफाई द कॉस्ट ऑफ द टर्बाइन, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज 45 लाख and can be used an indication usually by discounting that of the likely cost 6 years previously. The original invoice for the machinery did not specify the cost of the turbine. जो original invoice है machine का वो specify नहीं करता कि क्या होगा turbine का cost जो हमने पुराना खरीदा था, बट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट 45 लाख कैन बी यूज एज एन इंडिकेशन यूजली बाई डिस्काउंटिंग ऑफ द लाइकली कॉस्ट 6 years प्रीवियसली। हाँ, हालांकि हम लोग ये 45,000 को डिस्काउंट करके लास्ट प्रीवियसली उसका क्या कॉस्ट रहा होगा पुराने वाले का, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इफ एन एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट इज 5% जो कि दिया हुआ है, डिस्काउंट बैक, समझ रहे, टू दिस अभी कैसे आएगा 45 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 1/1.05 टू 6 को, तो आ जाएगा आपका डिस्काउंट बैक। आई होप आप कर लेते हो। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ टर्बाइन बिफोर 6 years इज आ जाएगा 33,57,90, दैट इज प्रीटी मच ओके। 5% का रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। The current carrying amount of the turbine which is required to be replaced of 13,43,16 would be de-recognized from the books of accounts. अब बोला है कि जो cost 45 lakh की जो asset थी, ठीक है, और आज के दिन में 33,57,900 हम मान रहे हैं कि हमने इतने में पुराना asset खरीदा हुआ था, ठीक है, मतलब डिस्काउंट बैक किए तो उसका कॉस्ट आई इतना, ओल्ड एसेट है बेसिकली, ओल्ड एसेट की वैल्यू हमने डिस्काउंट बैक करके करंट एसेट के सिमिलर एसेट की वैल्यू से निकाली है, वो इतना था। तो अभी कितना ज़्यादा है वो है 1,343,160, ठीक है। सो वुड बी डी रिकॉग्नाइज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। ओरिजिनल कॉस्ट इतना एंड रिड्यूस बाय द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट 5 years 2014740, अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। और ये कितना से रिड्यूस हुआ होगा, अब 13 लाख का इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आप फिर इंटू 6, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 20,14,740। So the cost of the new turbine 45 lakh would be added to the cost of machinery resulting in a revision of the carrying amount of the machinery to the 715,6840.
जो 45 लाख का हमने एसेट खरीद के लाया है उसको हम लोग नए मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ऑल दो उससे क्या होगा, रिविजन होगा कॉस्ट का। हमारा कॉस्ट आएगा 40 लाख, दैट इज 40 लाख। 40 लाख किस लिए है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1 करोड़ रिड्यूस बाय द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 6 ईयर। तो 1 करोड़ को 10 साल में डेप्रिशिएट कर, मतलब 6 साल में डेप्रिशिएट करके 40 लाख आ गया। माइनस करेंगे जो कि डी रिकॉग्नाइज करेंगे अपने पुराना एसेट का जो कैरिंग अमाउंट उसमें चल रहा था, प्लस 45। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? आइए एक बार और डिटेल में मैं बता देता हूँ इधर अच्छे से। देखिए 1 करोड़ का आपका एसेट है, अगर इसको मैं 6 साल मतलब 10 ईयर यूजफुल लाइफ में तो अगर करूँगा तो 60 लाख ये डिप्रिशिएट हो गया और करंट बुक वैल्यू मेरा इतना है। हमने 45 लाख का तो एसेट खरीद के लाया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 40 लाख में वो भी एसेट जुड़ा हुआ है जो कि प्रीवियसली वो पुराना जो कंपोनेंट उसमें है ना, उस कंपोनेंट को हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट जब भी करते हैं तो पुराने को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले उसकी कॉस्ट को निकालना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन निकाल के कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हमें तो ये नहीं पता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसकी कॉस्ट अपने अज्यूम करते हैं कि मान लो कि ये नया एसेट खरीद के आया, तो वो भी नया खरीद के आया होगा, अगर इसको 6 साल पहले ले जाएंगे डिस्काउंट रेट से तो डिस्काउंट बैक लगाएंगे इस पर, डिस्काउंट बैक लगाए ओल्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम इसका मदद ले रहे हैं 45 लाख का। तो ये आया 33,157 समथिंग, मतलब 33 लाख पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, परफेक्ट। और इसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 33.15 है डिवाइडेड बाई 10 × 6, तो 6 साल ये डेप्रिशिएट भी हो गया, तो इसका डेप्रिसिएशन भी आ गया अपना कुछ 20 लाख समथिंग, ठीक है। तो अभी जो इसका कैरिंग अमाउंट आया ओल्ड एसेट का वो 13 लाख समथिंग आ गया। ये क्या हो गया, मेरा ऐसा पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है जो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने कंपोनेंट का अभी भी कॉस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 40 लाख में से माइनस कर दिया, वही किया हुआ लास्ट में, 40 लाख में से 13 लाख माइनस कर दिया जो डी रिकॉग्निशन की वैल्यू थी, और प्लस कर दिया 45 लाख जो नई अभी खरीद के आई है। समझ में आ गया, कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए हमें कंपोनेंट का एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यू थी उसमें से 60 लाख डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी जो 40 लाख बचा हुआ है हमारे पास उसमें क्या है, एक कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन का अमाउंट छुपा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए मैंने 45 लाख जो अभी नया कंपोनेंट खरीद के लाया हुआ है उसको यूज करके कॉस्ट निकाली उसकी और डेप्रिसिएशन निकाला, फिर कैरिंग अमाउंट निकाल के उस 40 लाख में से उसके कैरिंग मतलब पुराने का कचड़ा जो भरा हुआ था उसमें से उसको एलिमिनेट कर दिया और फिर नया फ्रेश आइटम। और ये तो क्या था, ये कचड़ा था पुराने का, इसको हमें निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसको हमें हटाना पड़ेगा तभी तो ये फ्रेश होगा, और उसके बाद ये 45 लाख ऐड कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। ऑन 1 अप्रैल इतना अक्वायर्ड मशीनरी, ओहो कॉस्ट का होगा मेरे हिसाब से, ये 80 लाख का लिस्ट प्राइस था, इंपोर्ट ड्यूटी इतना था, डिलीवरी फीस इतना है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग इतनी हुई, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC है बेसिकली। तो ये सारे खर्चे हुए जब आप एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हो। उसके साथ साथ एक और दो चीज़ें हैं वो आप ध्यान दे दीजिए कि इसमें ग्रांटेड और ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, जी हाँ, ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस। और एक सेटलमेंट डिस्काउंट है 5%, मतलब पेमेंट के लिए डिस्काउंट है, दैट इज नॉट योर ट्रेड डिस्काउंट, आई रिपीट, ठीक है। ये पेमेंट ऑफ फॉर द मशीन वॉज रिसीव विद इन 1 मंथ ऑफ द परचेज, एक्सटेंडेड पेड फॉर द प्लांट एट द कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज। कहने मतलब ये खर्चे आपको कॉस्ट बताना है, क्या कॉस्टिंग लगी हुई। तो इन अकॉर्डिंग विद AS 16 इन दिस ऑल द कॉस्ट रिक्वायर्ड बींग इन एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड फॉर इंटेंडेड यूज शैड बी कैपिटलाइज, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फॉर इंटेंडेड यूज, रेडी टू यूज तक लाने के लिए जो भी खर्चा लगा है उसको कैपिटलाइज करते हैं। देयरफॉर द इनिशियल प्राइस, अब सपोज करिए ये था अपना 80 लाख का कॉस्ट, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा वो माइनस होगा,
ठीक है, और अदर डिस्काउंट माइनस नहीं होंगे, सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ बिल्कुल ऐड होगा, डिलीवरी फीस बिल्कुल ऐड होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड होगा, टेस्टिंग भी ऐड होगा। आपका ऐड जो नहीं होगा वो है आपका AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको बिल्कुल ऐड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सारे खर्चे तो इट इज रीजनेबली ओके कि आप कॉस्ट, ये रेडी टू यूज के खर्चे हैं, इनके बिना नहीं होगा, इनके बिना भी नहीं होगा, इनके बिना भी नहीं होगा, और ये भी टेस्टिंग के बिना ये रेडी टू यूज नहीं होगा। लेकिन AMC दैट इज परचेज फॉर 5 ईयर मेंटेनेंस, 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो भैया अगले साल में लगेगा, रेडी टू यूज के बाद का है, तो इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ एन एसेट इससे निकालने की कोशिश की गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। The term of an operating lease allows a tenant XYZ to tailor a property to meet its specific needs by building an additional internal wall. ठीक है, but on condition, बोला कि एक आपने बिल्डिंग दे दी, उसमें कुछ एडिशनल वॉल जो बनता है ना, अभी टेम्पोररी वॉल, वो बना के आप अपना काम करो, बट ऑन कंडीशन दैट द टेनेंट रिटर्न्स द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज एट इट ओरिजिनल स्टेट। आप ये समझ लो ये किसका सिनेरियो दे रहा है, प्रोविजन फॉर ड्रॉल, मतलब यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात हो रही है। आप उसको रिस्टोर करके दोगे, आप बोलो कि आप, आपको जैसे इस बिल्डिंग में दीवार बनानी क्या करनी बना लो, लेकिन जब फाइनली लीज टर्म जब खत्म हो जाएगा तो मेरे को तुम एकदम जैसा था वैसा करके दोगे। दिस विल इंटेल डिसमेल्टिंग, उसको डिसमेल्टल करना पड़ेगा, ये सारे इंटरनल वॉल को हटाना पड़ेगा जब भी वो खत्म हो जाएगा टेन्योर, और उसमें उसका 25 लाख। दिस विल इंटेल डिसमेल्टिंग ऑफ द इंटरनल वेल, एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड इंकर्स अ कॉस्ट ऑफ 25 लाख ऑन बिल्डिंग द वॉल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डिसमेल्टिंग वॉल इज 10 लाख। 25 लाख लगा के उन्होंने बनाया और बोला कि जब डिसमेल्टिंग करेंगे तो उसका आज के दिन में करेंट वैल्यू जो है, करेंट एस्टिमेट जो है वो है 10 लाख। एट वॉट वैल्यू शुड द लीज होल्ड इंप्रूवमेंट टू बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ द, तो भैया ये पूछ रहा है प्रोविजन फॉर डॉल कितना आप कैपिटलाइज करोगे, मतलब उसमें कितना ऐड करोगे। ठीक है, सो द लीज होल्ड इंप्रूवमेंट इज नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग द वॉल बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज, एट एज सच बोथ कॉस्ट 35 लाख आर टू बी कैपिटलाइज। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट है जिसपे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, आई होप आपको याद हो, हमने बात की थी कि करंट एस्टिमेट होता है, फ्यूचर एस्टिमेट उसका निकालते हैं, अगर यहाँ पे क्या दिया प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे वही दिया है प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दे दिया कि भाई 10 लाख इसका प्रेजेंट वैल्यू, भले फ्यूचर में जो भी वैल्यू हो। तो बोला कि आपको पूरी तरीके से इसको निकालना पड़ेगा, 25 लाख तो आपने खर्चा लगाया ही है उसको रेडी टू यूज करने के लिए, प्लस 10 लाख और भी आप ऐड करेंगे एज ए प्रोविजन फॉर ड्रॉल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 35 लाख उस काम के लिए, इंटरनल वॉल जो बिल्ड होती है उसके लिए। इंटरनल वॉल इज बिल्ड एंड विल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जनरली इन द एज पर द डेप्रिसिएशन चार्ज, और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन उसे चार्ज होके वो रियलाइज होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर ड्रॉल क्रिएट होगा एंड दैट शुड बी इन द पार्ट, हमने इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ PPE में बात की थी कि प्रोविजन फॉर ड्रॉल को डिकमिशनिंग, रेस्टोरेशन और अदर लाइबिलिटीज को हम हमेशा ऐड करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये भी कॉस्ट से रिलेटेड है, चलिए कर लेते इसको। स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, एक कंस्ट्रक्शन इनका स्टार्ट करते हैं, परचेस प्राइस ऑफ द लैंड, ये स्टैम्प ड्यूटी, आर्किटेक्ट फीस, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और जनरल ओवरहेड, ये सारे खर्चे करते हैं। ठीक है, और कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड, बर्बाद हो गया, एंड देयर फॉर वेस्टेड एंड फर्दर 1,50,000 वॉज स्पेंड अकाउंट्स फॉर फॉल्टी डिजाइन वर्क, 1 लाख बर्बाद हो गया और 1,50,000 फॉल्टी डिजाइन वर्क के लिए इनको स्पेंड करना पड़ा। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वर्क ऑन द बिल्डिंग वॉज स्टॉप फॉर 2 वीक्स ड्यूरिंग नवंबर 2010।
2000 नवंबर में, इसके वजह से दो महीने के लिए काम भी रुक गया। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 22,000 ऑफ द लेबर कॉस्ट रिबेट रिलेट टू दैट पीरियड, और 22,000 रुपया उसके हिसाब से हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो हमें 22,000 रुपया उसके कारण एक्स्ट्रा देना पड़ा। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन जनवरी 2001 में बिल्डिंग कम्प्लीट हो गई बन के, एंड बॉट इन यूज ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से इसको यूज में भी ले लिया गया। एक्स लिमिटेड हैड टेकन अ लोन, 40,000 का लोन, 40 लाख का लोन लिया हुआ था, एक साल जिसका पूरा हो गया 1 अप्रैल 2001 से रेडी टू यूज तक, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट एज पर इंड एस 23। और बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि भाई साहब क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट भी ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 8% का पर एनम इंटरेस्ट एंड रिपेबल है ऑन अप्रैल 1, 2002। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड दैट विल इंक्लूड इन टेंजिबल और नॉन करेंट एसेट एज एन एडिशन। सिंपली कॉस्ट निकालना है आपको। चलिए ऊपर भाषण दिया हुआ है, क्या क्या चीजें ऐड होगी। परचेज प्राइस ऑफ द लैंड, बिल्कुल लैंड आपने खरीदी हुई है, कहाँ दिया हुआ ऊपर चलिए देखते हैं। परचेज प्राइस ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी आएगा कि नहीं आएगा यहीं से देखते हैं ना एक बार। ये ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। क्या ये ऐड होगा? हाँ ऐड होगा। आर्किटेक्चर फीस आएगा? जी हाँ आएगा। साइट प्रिपरेशन आएगा? मटेरियल तो बिल्कुल आएगा। लेबर कॉस्ट आएगा? जनरल ओवरहेड वो आएगा कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार। ये आएगा, आएगा एक्रेडिट साइट प्रिपरेशन मटेरियल डायरेक्ट लेबर। हाँ इसमें दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जनरल ओवरहेड भी आएगा और ये बोरिंग कॉस्ट है, तो सारे ही आएंगे। दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो हमें बस इसमें सेट ऑफ करने पड़ेंगे। उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा, बे भाई ये क्यों क्या हो गया इसको, हाँ दो चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं। मटेरियल कॉस्ट आपका 10 लाख का है, ठीक है, इसमें से मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख हैज बीन स्पॉइल्ड, बर्बाद हो गया। क्या इससे आपको फर्क पड़ता है? जी हाँ, अगर बर्बाद हो गया तो हमारे कॉस्ट में नहीं आया, तो इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आपका बर्बादी आपके कारण हुआ है, आप इस अपनी बर्बादी का ठीकरा किसी एसेट पे फोड़ नहीं सकते। एंड देयरफॉर वेस्टेड एंड फर्दर 1,50,000 स्पेंड ऑन फॉल्टी डिजाइन वर्क, और आपके फॉल्टी डिजाइन वर्क के वजह से कोई अगर दिक्कत हुई है तो वो भी हमें फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और स्टॉप हो गया 2 हफ्ते के लिए काम एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम की वजह से आपका वर्क लोड जो हुआ वो खराब हो गया। तो आप उस समय अगर पेमेंट करो जब कंस्ट्रक्शन नो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, नो कंस्ट्रक्शन पीरियड में जब आप पेमेंट कर रहे हो तो प्रैक्टिकली आप सोचो कि 22,000 रुपये आप किस काम के लिए दियो, बिल्डिंग के लिए दियो? जी नहीं, वो आप अपनी गलती के लिए दियो, तो आप अपनी गलती का ठिकरा किसी और पे फोड़ नहीं सकते। तो ये दो चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए। फिर अपने बात करेंगे और एक चीज़ की, वो है बोरिंग कॉस्ट। तो 10 लाख में से 2,50,000 हट गया और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से 22,000 और जनरल ओवरहेड से ये हट गया। अब डायरेक्ट लेबर, जनरल ओवरहेड जो भी जनरली खर्चा हुआ क्या वो ऐड होगा? जनरल ओवरहेड आपका ये क्या है? ऑफिस का एक्सपेंस है, और ये जो ओवरहेड है वो बिल्डिंग का है। आपके सपोज करिए आप के ऑफिस के लोग अगर इसमें बिल्डिंग में काम कराने के लिए आए हुए तो क्या ऐड होगा? बिल्कुल ऐड नहीं होगा। हाँ अगर एलोकेटेड रहता तो आप ऐड करते, ये आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो LCIM, लोकेशन कंडीशन टू ब्रिंग इट प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, तो इसमें हमने क्या किया था, एलोकेटेड ओवरहेड्स को डी नहीं इंक्लूड किया था, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं होगा, स्टाफ ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो जनरल ओवरहेड इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग,
दैट इज द पार्ट ऑफ योर बिजनेस, नॉट द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग्स बिजनेस। अब बात आती है इंटरेस्ट की, क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? जी होगा, लेकिन कितने दिनों के लिए होगा? आपका बिल्डिंग कब बन के तैयार हो गया था? 1 जनवरी। आप वहाँ पे रहने गए 1 अप्रैल 2002 से, उसके फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, 1 जनवरी तक बन गया, तो ये टेन्योर क्या है? 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का कैपिटलाइज हो गया। बस ये क्वालिफाइंग एसेट रहेगा तभी कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली। जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा होगा ऑन 1 अप्रैल 2002 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विच मीन्स द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एंड द लोन 8% का है, रिपेएबल है 1 अप्रैल 2002 से। ठीक है, 1 अप्रैल से लिया हुआ है, ये लिखा हुआ ना कि द बिल्डिंग वॉज कंप्लीट ऑन 1 जनवरी 2001। तो ये जनवरी 2001 में कंप्लीट हो गया, आप लोन लिए थे अप्रैल 2000 में, तो इन दोनों के पीरियड 9 मंथ्स का हुए, तो वो कैपिटलाइज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं भाई साहब। चलिए, परचेज प्राइस आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल आएगा, आर्किटेक्ट फीस बिना उसके बनेगा कैसे, साइट प्रिपरेशन इसके बिना कैसे बनेगा, मटेरियल पूरा आएगा। अब इसमें दो खराबियां हैं, स्पॉइलर हो गया, आपका माल बर्बाद हो गया, आप उसके कॉस्ट को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट यूज्ड इन द बिल्डिंग, और आप उसके आपके आर्किटेक्चर की डिजाइन खराब हो गई तो उस समय मटेरियल को आपको हटाना पड़ा, तो उसका कॉस्ट को भी आप ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप 22,000 रुपया ज्यादा दे दिए अपनी गलती की वजह से, जो कि इम्पैक्ट नहीं करता उसके कंस्ट्रक्शन में, तो भी एक्सक्लूड होगा। जनरल ओवरहेड तो कभी नहीं आएगा, जनरल ओवरहेड दैट इज नॉट द फॉर द बिल्डिंग, बस। और एक बोरिंग कॉस्ट हो गई आपकी कॉस्ट कैलकुलेट। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड दैट टू इज एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑन जनवरी 2004 ₹1 lakh एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 एंड रेसिड्यूअल वैल्यू ऑफ 10 साल। कोई रेसिड्यूअल वैल्यू नहीं है, मतलब 10,000 ठोकते जाओ 10 साल के लिए। The company has charged depreciation using SLM 10,000 per annum on January 2004, मतलब कि आने वाले 1, 2, 3, 4 साल बाद। The management of reviews the estimated life and decides that the asset will probably use for further 4 years, मतलब बोले कि भाई साहब बस हो गया अब ज़्यादा नहीं, 2000, 2001, 2002, 2003 3 साल के बाद बोले कि अब ज़्यादा नहीं, 3+4, 7 साल मैक्सिमम है, जिसके वजह से therefore the total life is revised to 8 years for further 4 years, मतलब अप्रैल 2004 में इनको बोले कि 4 साल बाद कि 4 साल और चलेगा। How should be accounted for the remaining life? Change in the useful economic life prospective basis पे होगा, of course जो बचा है value उसको अपने divide करेंगे। Simple सा है यार, इसमें कोई झमेला नहीं, आप 10 साल के हिसाब से राइट ऑफ करते रहते। चेंज इन फेयर वैल्यू, चेंज इन यूजफुल लाइफ का क्वेश्चन है, 10 ईयर के हिसाब से राइट ऑफ कर रहे थे, 4 साल तक आपने किया जो कि है 10,000 पर एनम इंटू 4, दैट कम्स टू 40,000, तो आपकी एसेट की वैल्यू हो गई 60,000। अब आप बोल रहे हो कि रिवाइज कर दिए यूजफुल लाइफ फर्दर 4 ईयर, मतलब कि पिछला 4 साल और आपका 4 साल 8 साल, मतलब आप बोले कि बस 15 चौके 60, 15,000 और बाकी है वो होगा डेप्रिशिएट, मतलब दिस विल कम अराउंड व्हाट आई मीन दिस विल बी दिस, ये क्या होगा 60 होगा ना, 60,000 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल कम अराउंड 15,000, परफेक्ट। या नाउ मूव फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने करेंगे टेस्ट और नॉलेज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप साथ साथ हमारे साथ सात तीन डेज के क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाएंगे, वो भी आपके डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से, तो आपके बेनिफिट तो होंगे ही होंगे एंड दिस इज़ फॉर श्योर। हम लोग टेस्ट योर नॉलेज भी करेंगे, आपके नॉलेज का टेस्ट भी करेंगे और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 13 दैट विल बी द लास्ट इलस्ट्रेशन एंड विद द टेस्ट योर नॉलेज एंड दैट इज अबाउट 6 क्वेश्चन इन इट आई बिलीव यस। तो 617 का कॉम्बो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं, क्या बोले, बस आप एक बात याद रखिएगा कि वॉट आप है तो हमारी ऐश है।